सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेली की दुनिया। अरे अरे, गॉडलाइक का ऑडियो गॉडलाइक के चैनल पे जा रहा है। आज हम करने वाले हैं चीप वर्सेस एक्सपेंसिव ब्लाइंड फूड फूड चैलेंज। अरे अरे अरे, तुम लोग जाके स्ट्रेटजी बना लो, होस्ट मैं कर लेता हूँ। सो गाइस, अब यहाँ पर तीन प्लेट रखने वाला हूँ मैं। उन तीनों प्लेट में ये कंटेस्टेंट को एक एक करके आके रेट करना है कि कौन सा एक्सपेंसिव है, कौन सा मीडियम है और कौन सा सबसे चीपेस्ट है। देखते हैं अब वो कर पाते हैं या नहीं। सो गाइस, मिलते हैं हमारी पहली टीम से। हमारे पहले टीम में है कीकी, सीगॉड और साक्षी, और हमारी दूसरी टीम में है जेली, सिम एंड मीजो। सो पहले पूछते हैं इनकी टीम का नाम क्या है। आपकी टीम का नाम क्या है? तुम नहीं जीतोगे, तुम नहीं जीतोगे, तुम नहीं जीतोगे, ये सीधा बोल दिया है भाई, ऐलान कर दिया जंग का। अच्छा, और आपकी टीम का नाम? हमारी टीम का नाम है टीम पहली। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? So, देखते हैं कि इन दोनों टीम में से सबसे पहला कंटेस्टेंट कौन होता है, ये देखने के लिए कि एक्सपेंसिव, मीडियम और चीप कौन सी फूड आइटम है। लेट्स गो। सो गाइस, अब आ चुके हैं दोनों टीम के मेंबर्स। यहाँ पर है कीकी और यहाँ पर है मीजो। तो देखते हैं कि कैसे ये लोग रेट कर पाते हैं एक्सपेंसिव, मीडियम और चीप में। बट इतना आसान होने वाला नहीं है जैसे कि ये लोग दोनों सोच रहे हैं। इन लोग पे लगेंगे ब्लाइंड फोल्ड और देखते हैं फिर कैसे रिएक्शन होता है ये लोग का फूड पे। ये क्या क्विक मिला? ये थोड़ा फ्लफी टाइप लग रहा है। छी छी बोल दिया, वही कह रहे हो, वही कह रहे हो। ये तो पकड़ने में अच्छा लग रहा है। ये भी ये रिच लग रहा है भाई। वाओ, इसमें बहुत आटा लग रहा है बाहर बाहर क्रस्ट पे। रिच, ये क्या है? अरे ये तो पकड़ने में ही सूखा लग रहा है। अच्छा, पेप्सी मिलेगी क्या लोग ये पिज्जा है मेरे हाथ में? नहीं, समोसा है। वो इसका इसका ये सॉस किधर है? वो तो मैं खा गया। तो दैट मस्ट बी चीप वन ना। तो गाइस, एक आइटम था 600 का, दूसरा आइटम था 250 का और तीसरा आइटम था 100 का। तो आओ देखते हैं कि ये लोग गेस कर पाते हैं कि नहीं। ब्लाइंड फोल्ड लगा दे भाई। तो जो पहला मैंने टेस्ट किया उसका थिन क्रस्ट था एंड उसका चीज़ का क्वालिटी भी अच्छा था, सो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव वन। सेकंड वाला खाया था, वो उसमें कैप्सिकम था, अनियन था एंड उसमें चीज़ भी ज़्यादा एडिड था, बट वो क्लियरली उसके क्रस्ट की वजह से मुझे लग रहा है कि वो मिड रेंज पिज्ज़ा था, सो आई थिंक दैट वाज मीडियम। एंड जो लास्ट वाला था वो तो बहुत ही घटिया था, लाइक पूरा ऐसे वीट फील हो रहा था उस पर, क्रस्ट भी अच्छा नहीं था। मैंने बोला नहीं कि ओके, आप फर्स्ट वाला, आई लव इट बडी। क्या वो एक्सपेंसिव है मेरे लिए भाई? अच्छा, फर्स्ट वाला आपने भी एक्सपेंसिव टेस्ट किया? फिर एक्सपेंसिव टेस्ट था भाई। सेकंड वाला जो किया मैंने, उसमें बस चीज था, वो भी गीला गीला था भाई, गीला चीज पिज्जा में मजा नहीं आया। नहीं, शायद वो सॉस था उसका, तो वो मुझे पक्का सॉस था ना? देखते हैं कि कौन जीतता है। सबसे पहले शुरुआत करते कीकी से, डेली ठीक है, दिल्ली खाते हैं तो देखते हैं ये करेक्ट है कि नहीं। सबसे पहले तूने बोला था फर्स्ट पिज्जा जो एक्सपेंसिव था। यस, रॉन्ग साले, वो था गुड जॉब, गुड जॉब, वो रॉन्ग है, वो था एकदम चीप जॉब, चीप था एकदम। यस, इतना गलत कैसे हो सकता है भाई। और जो सेकंड पिज्जा था जो तूने बोला था मीडियम है, हां भाई, वो था सबसे एक्सपेंसिव। क्या बात कर रहा भाई, मतलब ये सब रॉन्ग है, ये सब रॉन्ग है, ये सब रॉन्ग है। सो मीजो, जो तूने बोला था लास्ट वाला पिज्जा जो कि था चीप, बिल्कुल सही, वो था मीडियम। एंड देन सेकंड वाला क्या बोला था आपने? सेकंड वाला मीडियम बोला था इन्होंने, वो था सबसे चीप। जीत गया भाई। But guys, यहाँ पर भाई जीत गया। लास्ट वाला इसने बोला था एक्सपेंसिव और वो निकला एक्सपेंसिव, जिसके लिए हम लोग जीते। हाँ, एक पॉइंट से जीते, एक पॉइंट से टीम नहीं हारेंगे, हार गई है, दो राउंड और बाकी है, और बाकी है, और बाकी। सो गाइस, अभी आ गए हैं टीम पहली के कैप्टन जेली और क्या। सो लेट्स सी कौन जीता है इन दोनों में से, कौन एक्सपेंसिव, मीडियम और चीप रेट कर पाता है। तो जेली पहला, लेट्स गो जेली। चाचे महंगा वाले
पी लो ना। हाँ पी ले, पूरा पी ले। कम दिया है तो लग रहा है। कम दिया है तो ये कम आया ना तो महंगे वाला लग रहा है। जली तेरा एकदम एक्सपेंसिव लग रहा है। मधु भाई ने बनाई है वाली तो। ये वाली मधु भाई की है। जली तेरा एकदम सबसे चीप लग रहा है। ये वाला मधु भाई का है। चलो हो गया ठीक है। आप ये अरे फिर से वही पकड़ा दिया आपने। फिर से वो नहीं है। ये पिक्का है, पिक्का। ये बहुत घटिया है। हो गया टेस्ट पक्का? बहुत बढ़िया था। ठीक है, बहुत ही बढ़िया था। तो ये वाला तुझे जेली ज्यादा कड़वी मतलब एक्सपेंसिव हो सकती है। ठीक है ठीक है। चलो ठीक है ठीक है। हो गया हो गया, डिसाइड हो गया। मेरे को ये वाला समझ नहीं रहा है। हां समझ जीत रहे हम, टेंशन मत लो। तुम लोग जीत रहे हो। गॉड जीत रहे हैं, लेट्स जीत रहे हैं। आई जस्ट वांट टू रुको रुको क्या हमने भी ऐसे ही बोला था जीत रहे नहीं देंगे। फिर हार गए ना भाई। नहीं जीत रहे। ठीक है ठीक है, चलो जीत रहे जीत रहे। टेस्ट कर लिया तुम लोग ने? कर लिया पक्का। सो आते हैं जेली पे। सबसे पहले लेडीज फर्स्ट। देखो लेडीज फर्स्ट। You ready? Yeah, I'm ready. तो ठीक है, first जो आपको glass दिया था वो क्या था, कौन सा था? पहले वाला मुझे थोड़ा similarity Starbucks के coffee से लग रहा था। मेरे को लग रहा है वो शायद से expensive वाला हो सकता है। उसकी consistency thick थी काफी। मैंने तो पिया कभी? नहीं, मैंने भी मैंने भी नहीं पिया। नहीं नहीं, मेरे को तो मधु भाई का coffee पता है। ठीक है, तो फिर second वाला? Second वाला medium लग रहा था मुझे, क्योंकि उसमें sugar काफी ज्यादा था। तो ये अक्सर जो मीडियम वाले होते हैं वो लोग ज़्यादा शुगर डालते हैं और थोड़ा थिक फ्रॉथी होता है, तो वो वाला वाइब्स आ रहा था मुझे सेकंड वाले में। एंड थर्ड वाला चीप था, कुछ वो मेरे को ऐसे लग रहा था पानी पी रही हूँ मैं। उसमें मेरे को ना ही दूध टेस्ट आ रहा था ना ही कॉफ़ी। आई थिंक थर्ड वन इज द चीपेस्ट। जेली तू बता। सबसे पहले जो मधु भाई वाला था। हाँ पर मधु भाई क्या बनाते? मधु भाई वाला था मीडियम। ओके सेकंड वाला? सेकंड नंबर वाला था चीप। ओके और थर्ड नंबर वाला था एक्सपेंसिव। सो मीडियम चीप एक्सपेंसिव पक्का? हाँ पक्की बात। इतना कैसे कॉन्फिडेंस हो गए तू? ऐसे ही रहता है मेरा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सो साक्षी ने जो आंसर दिया सारे गलत। सारे गलत अगेन। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। ई सारे सही और उसका ऑपोजिट जो जेली ने आंसर दिया वो सारे सही। One drunk man is more intelligent than three women with PhDs. Oh, shit! Congrats! Oh, कैसे किया तूने भाई, कैसे किया? बिना कॉफी पिए। बिना कॉफी पिए, बस इतना कह रहा हूँ। बिना कॉफी पिए। बंदे ने स्टारबक्स नहीं पिया। हाँ स्टारबक्स पिया है मेरा कुछ। मेरे को दूध नहीं, वो जमता नहीं मुझे। अरे आपकी दिक्कतें कंपटीशन में आता है। So, आओ देखते हैं कि गागू क्या कर पाता है और गागू के सामने रहेगा सिम। So, guys, अब गागू ने सोचा है कि अब मुझे ही संभालना पड़ेगा। तो आ गया है जीगॉड अपनी टीम से और यहाँ पर है सिम जो कि जिसका पहला चैलेंज वीडियो है। तो सिम कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल बिल्कुल। बर्गर तो खाते ही हूं। जिसके सामने वन बीटेबल है अभी तक का। अबे तो वड़ा पाव है। यस यस वड़ा पाव है। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है ये वाला? समझ गया मैं बताऊंगा। नहीं 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 हां बर्गर में मोमोस तो नहीं डाल दिया? देख लिया सिम, नहीं तो मेरे को मैं आ जाऊंगा हो जाएगा। 3-1 से 3-0 से हरा सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट राउंड जीत जाएंगे। तो बहुत बर्गर खाता था ना भाई। ओए चोर। अरे भाई टच किया उसको। मैं हटा रहा हूँ। अच्छा अरे मैं वापस गाऊंगा। अरे टेक्सचर फील कर भाई। ये लास्ट किधर है? ये लग रहा है ना? सही लग रहा है। गुड बॉय। टॉप रेटिंग है इसको। इसको टॉप रेटिंग है। अबे तो गिर गया सिम, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई। नहीं ये सिम सब सही हो रहा है, सब सही हो रहा है। और एक बाइट मारता कि टिक्की तो आए अंदर, टिक्की तो आई नहीं रही है। देख देख आ रही है, बस बन खा रहा है। बन खा रहा है। समझ गया? नहीं नहीं समझा नहीं। समझ गया। अरे हां किसी सही से एक बार मार कह रहा हूं देखो, टिक्की का टेस्ट आएगा ना तेरे को समझेगा। तवे तवे पर नहीं काम नहीं है, समझा ना? ये है सबसे अभी। हां लोअर क्लास है ये, मिडिल क्लास।
सही लग रहा है, सही है ना? सिर्फ मेरे को कॉन्फिडेंट लग रहा है। सो गाइज रिजल्ट्स आर आउट और देखते हैं कि गागू ने पहले क्या आंसर किया है। पहला वाला खाने में थोड़ा नॉर्मल लगा था तो वो मीडियम है। ओके दूसरा वाला एकदम सस्ता था, एकदम चिपका हुआ था। अच्छा चिपका हुआ सबसे चीप था। ओके और फिर थर्ड वाला लास्ट वाला एक्सपेंसिव। ठीक है गुड गुड जीत गए। और सिंप तो बता पहला वाला मीडियम था क्यों? क्योंकि उसमें एक ही टिक्की लग रही थी मेरे को और उसमें चीज वगैरह भी कुछ नहीं था। सेकंड वाला क्या था? सेकंड वाला चीप कैसे जिसमें डबल टिक्की? क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं, एकदम टिक्की नहीं लग रहा था वो। कैसा क्या पूछा तुमने? वाली रोडा लियो भाई, कैसा क्या होता है क्या पता? सो मीडियम चीप एंड एक्सपेंसिव क्योंकि लास्ट वाले में चीज भी था और डबल टिक्की भी थी। गुड 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 नाइस। तो तूने बोला कि तू बर्गर बहुत खाता है। हां और पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तूने बोला कि तू नहीं खाता है। यहां पर उल्टा ही हो रहा है गाइस। सो द विनर इज Z-God, क्योंकि उसने थैंक यू तीनों के तीन आंसर सही दिए। मैंने भी तो सेम ही दिया। सो Z-God जीत चुका है क्योंकि उसने तीनों के तीन सही आंसर दिए और इसके साथ इसका स्कोर है 3। इसके पूरी टीम का स्कोर है अब तक के 3। तीन में से एक आंसर सिम ने राइट दिया जो कि है मिड वाला जो इसने बोला था चीप बर्गर। तो उसको 1 पॉइंट मिलेंगे बट स्टिल दे आर लीडिंग विद 5 पॉइंट्स। अब देखते हैं कि फोर्थ राउंड में कौन आता है और कैसे गेस कर पाता है, सही कर पाता है या नहीं। लेट्स सी। सो गाइस अब गेम इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका है क्योंकि दोनों कांटे की टक्कर की टीम आ चुकी है। यहाँ पर है Z-God और Mizo और नेक्स्ट आइटम जो आ रहा है वो है पानी। जीत गए राजस्थान से भाई। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। यस क्या बात है, पानी है पानी। क्या कर रहे हैं यार तू? आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या भाई? ये है वेरी एक्सपेंसिव। बस ये जो हो गया शॉर्ट शॉर्ट हेड है एक नंबर बस यही है। हां ये अच्छा है। हिंट दे रहा है क्या? हिंट दे रहा मेरे गांव का पानी। लेट्स गो। आई हैव मेड माय डिसीजन भाई बस करो। कितना पानी पिएगा? ठीक है किसने कितना पिएगा बस? जैसे कैसे ऑर्डर है वैसे रख। सो लास्ट टाइम Mizo पहले गई थी तो मैं सबसे पहले अभी गागू से पूछूंगा। तो गागू बता तेरे ऑर्डर में क्या था? फर्स्ट क्या कौन सा था? फर्स्ट वाला था टॉप क्लास, सबसे महंगा था वो। ठीक है सेकंड वाला एक गरम था। अच्छा और एक ठंडा पानी था। तो गरम वाला क्या? गरम वाले से मेरे को मेरे गांव की याद है, वो सबसे सस्ता था। सबसे सस्ता तेरे गांव में? क्या बात कर रहे हो भाई। सबसे सस्ता और जो ठंडा वाला था वो था मीडियम। मीडियम ठीक है। Mizo नाउ यू। सो इधर मैंने जो रखा था वो सबसे एक्सपेंसिव था, बीच वाला मीडियम था एंड जो वार्म था वो सबसे चीप। जीत गए जीत गए। सो एक्सपेंसिव मीडियम चीप। ओके अनफॉर्चुनेटली इनमें से क्लियर विनर एक है और एकदम क्लियर विनर मतलब तीनों के तीनों सही गेस किए हैं। थैंक यू। और वो थैंक यू तीनों के तीनों सही गेस किए उसको 3 पॉइंट मिलने वाले हैं और वो है गागू। थैंक यू। सो गाइज जैसे कि आपने देखा Z-God ने सभी आंसर सही दिए तो इसने अपनी टीम को बचा लिया है और टॉप पे ला दिया है। द स्कोर इज 6 ओवरऑल और टीम पहली का स्कोर है 5। तो अब देखना पड़ेगा जेली और सिम को कि कैसे वो लोग अपनी टीम को ऊपर लेके आ सकते हैं। सो नेक्स्ट फूड आइटम जो आ रहा है वो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का एकदम फेवरेट चीज रहेगा जो कि है समोसा पाव। खाया कभी? हम बहुत मिल खाया। मैं तो देखा सिर्फ समोसा खाया है, पाव नहीं खाता मैं। इसका तो समोसा देखो कितना लंबा है, ये तो हमें भी नहीं पता चल रहा है। सब सेम लग रहा है। ये ठीक है लग रहा है। ये क्या कर रहा है भाई? धीरे धीरे करो। ये क्या है भाई गंदा सा? ये वाला एकदम टॉप है। नॉटी हो रहा के बर्गर है। खाने को वायरलेस क्यों? ये अच्छा लग रहा है ना टच में। खा तो ली।
अश्लील है ये लोना। आलोक भाई चटनी मिलेगी क्या थोड़ी सी? हाँ ये कर लो पहले। सो गाइस दोनों ने पेट भर के खा लिया है। भाई तूने तो कुछ छोड़ा ही नहीं। और ठीक है याद है ना तुझे क्या क्या था? ठीक है तुझे भी याद है? याद है। चलो ठीक है पूछते हैं कि कौन सा क्या ऑर्डर था। किसी से पहले? इससे पहले इस बार जल्दी तेरे से पहले मैं होस्ट कर विनर को पहले तो मतलब कि देखो पहला था चीप ठीक है एक्सपेंसिव फिर आई एम मीडियम चीप एक्सपेंसिव मीडियम ठीक है और की अभी तू आने वाला हूँ नहीं मैं मीडियम सो फर्स्ट है मीडियम हाँ फिर सेकंड चीप सेकंड चीप और लास्ट एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव सो गाइस रिजल्ट्स मेरे पास है और क्या लगता है कौन जीतेगा मैं जीतूंगा तू जीतेगा सो सबसे पहले की जो तूने बोला सही बोला तूने बोला चीप मीडियम और एक्सपेंसिव या बट सही आंसर है मीडियम चीप और एक्सपेंसिव तीनों गलत तो नहीं नहीं एक गलत और जेली एक सही बस अनडिफीटेड चैंपियन अच्छा इसको पहले से ही पता है यस इसने तीनों की तीनों सही दिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पहले एक्टिंग करते हैं कि मैंने ये नहीं खाया मैंने वो नहीं खाया है खाया तो इससे सब कुछ है हर जगह खाया है अच्छा सही है पहाड़ी के टेस्ट बड्स अच्छे होते हैं एक पॉइंट मिलते हैं इनके साथ टोटल हो जाते हैं 7 पॉइंट्स और इनके होते हैं 8 पॉइंट सो तीनों नेक टू नेक है 8-7 अब देखते हैं कि नेक्स्ट राउंड में जो कि आने वाले हैं सिम और साक्षी देखते कौन जीतता है सो गाइस आ चुके हैं नेक्स्ट लेवल पे और हमारे साथ है सिम एंड साक्षी तो मुझे लगता है कि ये दोनों का फेवरेट आइटम अभी आने वाला है और वो है चॉकलेट खाया है चॉकलेट हाँ बहुत सभी वैरायटी के तुमने भी मैं कम डेजर्ट्स खाती हूँ सो आई डोंट नो आई विल ट्राई ठीक है सो मुझे लगता है ये जेली का टैक्टिक यूज कर रही है कि मैंने ये खाया नहीं है बट ये आई डोंट कॉपी नहीं तभी नहीं जीत पा रहे तो सिम पहला मैं ये चॉकलेट खिला रहा हूँ तेरे को अच्छा कोई खिला रहा है मुझे क्या लगता है ये मिल्क है कि डार्क है वो तेरे को पता है बोलना क्यों है सिम के बेचारे को समझ नहीं आ रहा डार्क हो सकता रुको जरा ठीक है तैयार है सूट देख सकेंगे के लिए ये ज्यादा बड़ा बाइट है तो तेरे को अच्छा अबे पूरा ही डाल देंगे पूरा चॉकलेट भाई एक ही मौका है खाने का नेक्स्ट खिलाओ हो गया दोनों हाँ अबे तो सेम है नहीं सेम नहीं है सेम नहीं है डिफरेंट डिफरेंट ऐसा साक्षी समझ आ रहा है कुछ नहीं कि बस मजे ले रहे हो मेरे को दो चीजों में कंफ्यूजन हो रही है हो गया मेरा कितनी है चॉकलेट लेट्स गो सिम नाइस वन टेक सो खा लिया हां मालूम पड़ गया कौन सा क्या क्या है हां ठीक है रेडी हां ठीक है तो सबसे पहले सिम तू बता कि क्या ऑर्डर था और एक्सपेंसिव था मीडियम था या चीप था जो मैंने पहले खाया वो था एक्सपेंसिव ठीक है दूसरा वाला चीप और तीसरा वाला मीडियम ओके सो एक्सपेंसिव चीप एंड मीडियम चीप मीडियम ओके ठीक है कॉन्फिडेंट और अगर एक्सपेंसिव सही है तो पूरा मेरे को लगता है ओके पहले वाला क्विट करना जो तूने लेफ्ट वाला लास्ट वाला एक्सपेंसिव था पहले वाला शायद चीप और मीडियम चीप मीडियम एक्सपेंसिव सो चीप मीडियम एक्सपेंसिव ठीक है लॉक कर लो नहीं 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 भाई क्या चेंज करो चेंज करो चेंज करो चैनल कर ले अभी मीडियम चीप एक्सपेंसिव हाँ सो गाइस क्लियर विनर तो नहीं है यहाँ पर सो सिम तुझे पता है जो तूने जो चॉकलेट खाई वो कौन सी चॉकलेट थी नहीं मैंने टेस्ट के हिसाब से बोला ओके तो बहुत ही अच्छा टेस्ट था उसका तो जो तूने चॉकलेट खाई वो थी मिस्टर बीस्ट की फीसेबल सबसे एक्सपेंसिव वाली और वो ही राइट आंसर दिया इसने और बाकी के तूने जो मीडियम के बदले चीप बोला है और चीप के बदले मीडियम बोला है सेम साक्षी के साथ भी यही है उसने चीप वाला जो सबसे चीप चॉकलेट है तुझे गिफ्ट है इमोशनल डैमेज वो कड़वा लग रहा था तो मेरे को कड़वी तो थी नहीं कोई चॉकलेट है सो चीप वाला सही दिया इन्होंने और एक्सपेंसिव वाला इन्होंने सही दिया एंड द स्कोर इज 9-2 टीम पहली और इनके टीम को 8 अब जीगॉड आने वाला है तो तुमको पता ही है कि अभी तक तो अनबीटेबल है वो
सो जैसे कि आप लोग ने सुन लिया गाइज, ये वाला ज़िगोट जिता देगा और अगला वाला तुम लोग देख लेना, क्योंकि अगले वाले में शायद ज़िगोट ना हो। बट अगेन, तो अभी हम लोग आए हैं सेकेंड लास्ट स्टेज पे और इसमें जूसेस है। सो कौन सा एक्सपेंसिव मीडियम और चीप जूस है वो आप लोग को बताना है। ठीक है, जूस पिए कभी? हाँ, बहुत बहुत सारे, मतलब एक कहीं जाके या रस्ते पे, ऐसा हर जगह, हर जगह। तो हर जगह का जूस पिया इन्होंने गाइस। तो अच्छा है, आपने नहीं पिया? जो जूस लेके आते हैं गाइस, मेरे को हाथ में देना। हाथ में दिया, अच्छे से सूंघ उसको पहले। अच्छा बात नहीं है, अरे सब पता है रे तुझे, ये लास्ट है, देख रहा है तू, कॉन्फिडेंस देखो, मुझे लग रहा है कब को पता चल गया सही, हो गया इतना जल्दी पता चल गया जी, क्या लगता बाबा? दैट वाज क्विक, एकदम जल्दी से इन्होंने जूस पी लिया, आदत है इनकी। बट अभी जली, किसकी? तेरे से पूछता हूँ मैं सबसे पहले कि क्या था मेरे अकॉर्डिंग था जी, देखो चीप एक्सपेंसिव मीडियम, और मैं गलत नहीं हूँ। और तू गलत है। चीप एक्सपेंसिव मीडियम, ठीक है, मीडियम चीप एक्सपेंसिव, मीडियम चीप एक्सपेंसिव, दोनों के आंसर आप लोगों ने सुन लिए। ओ पहली हाथ मिला रहे, तो गागू वेरी कॉन्फिडेंट, तो देखते हैं कौन जीतता है। जेली भी बहुत कॉन्फिडेंट है, मैं गलत इंसान के सामने आया था। सो गाइस, ये जो राउंड है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरे सामने एक क्लियर विनर है और वो है ज़िगोट। तीनों के तीन आंसर्स राइट दिए हैं, और एक ने तीनों के तीन गलत दिए। तो अभी मैं जो बताने वाला हूँ उसने तीनों के तीन गलत दिए, तो देख लो उधर, हाथ मिला अभी, उधर देख लो, उधर देख लो। तो तीनों के तीन जिसने गलत दिए वो है जेली। बोल के नहीं करके दिखाते हैं, ट्रैश टॉक नहीं करते, बहुत बोल रहा था बेटा बेटा। ज़िगोट अभी भी अनडिफीटेबल है, थैंक यू। तीन में से तीन बहुत बार हार देखी मैंने। सो अभी फिलहाल बहुत ही टक्कर, अब लास्ट राउंड बचा है, इसमें कोई भी जीत सकता है। स्कोर्स बता देता हूँ आप लोग को एक बार, ज़िगोट के टीम के स्कोर है 11 और जेली टीम पहली का स्कोर है 9। सो गाइस, फाइनली हमारा फाइनल राउंड आ चुका है और आप लोगों को तो पता ही है स्कोर कितना काटे की टक्कर में है, 11 और 9 चल रहा है स्कोर। और हमारे सामने लास्ट आइटम है, वो है केक। बट इसमें ना एक ट्विस्ट आने वाला है, और वो ट्विस्ट ये रहने वाला है कि फॉर एवरी राइट आंसर, एक राइट आंसर का आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। क्या बात कर रहे भाई, तो हार गए, तो या तो एकदम ऊपर चले जाओ, अच्छा, या तो हार जाओ। ये लास्ट है गाइस, ओके नॉटी बॉय, आराम से, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। स्पून, मैंने खिला रहा हूं, कुछ और ही है, वेट नहीं करना, इसको खाना है, अंदर है इसकी केक, कैसे हाथ से, हां हां, फील लो, टच करके फील लो, ये फर्स्ट वाला है। क्या कर रहे हैं यार तू, अभी टच पता नहीं, अबे ये क्या, ये टॉप लेयर खाया है, ठीक है, हो गया। मेरे को लग रहा है मीजो ने क्रैक कर लिया, क्या नहीं लग रहा था, हां ये पकड़ो पकड़ो, फेस पे कॉन्फिडेंस झलक रहा है। हो गया तीनों, ओके, ये केक है, नहीं सेम टेक्सचर का केक है जैसे केक नॉर्मली रहता है। बस बस अपन भी खाएंगे, बस बस, बहुत डिस्कशन हो गई, अब देखते हैं कि किसने सही गेस किया है। पहले ब्लाइंड फोल्ड निकाल देता हूँ मैं, और सबसे पहले किससे स्टार्ट करूँ, इससे मिजो, कीकी से, डिसाइड कर लो भाई, कीकी, चलो ठीक है। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है, गिव अप कर दिया इतनी जल्दी, मुझे लगा थोड़ा लड़ेगा, गिव अप, एनीवेज ठीक है, हार मान ली अपनी, हार पहले ही मान लिया इन्होंने,
तो बताओ कि क्या ऑर्डर था, एक्सपेंसिव, चीप, मीडियम? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। चीप? हाँ, सो पहला जो तूने खाया वो था चीप? नहीं नहीं, वो मीडियम। ओके चीप क्या? बीच वाला, सेकंड वाला चीप। ओके सो मीडियम, चीप, एक्सपेंसिव, लास्ट वाला एक्सपेंसिव। तूने सबसे पहले राइट वाला खाया, लेफ्ट वाला खाया? राइट वाला। ओके सबसे पहले टॉप लेफ्ट था। हाँ, सबसे लेफ्ट वाला। मैंने कुछ खाया था उसके ऊपर। ओके वो सबसे हार्ड वाला तो चीप था। ठीक है, ऑर्डर में बताओ सबसे सबसे लास्ट वाला चीप। ओके सो थर्ड वाला जो आपने खाया वो था चीप? चीप। ओके सेकंड वाला करो ना, बोलो ना, या फर्स्ट वाला? देखो स्ट्रेस हो रहे, सब बुरे थे। हाँ तो कोई नहीं, हार जाएंगे भाई। सही में सभी बुरे थे, पता करना है। चेरी वेरी तो मुझे लगता है सबसे एक्सपेंसिव में तो नहीं आता, तो आई थिंक वो मीडियम था। ओके सो लास्ट वाला, फर्स्ट वाला जो खाया वो सबसे एक्सपेंसिव। सो एक्सपेंसिव, मीडियम एंड चीप। सो मेरे पास आंसर है दोनों का, और ऐसा आंसर पूरे कॉम्पिटिशन में किसने भी नहीं दिया। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसके लिए मैं सबको यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। आ जाओ, आ जाओ गाइस। सो सब आ चुके हैं, एंड गाइस एक्साइटेड हो आंसर के लिए? बहुत ज़्यादा। और तो आंसर ऐसा है कि कोई सही, दोनों ने सही दिया आंसर, दोनों ने तीनों के तीन सही दिए गाइस। और जैसे इसने चिल्लाया इसको पता चलेगा कि ये ओवरऑल टीम ज़ीगॉड विनर है विद 20 पॉइंट्स ज़ीगॉड की टीम की, और टीम पहली 18 पॉइंट्स। सो वेल ट्राई, नाइस ट्राई, नाइस ट्राई। अरे उदास होने की जरूरत नहीं है यार। ना कुछ नहीं हुआ। अरे हेलो, आपका हो गया। अरे बराबर, अरे मैं हार के बोल रहा हूं, मिला दूं। मैं कहना चाहूंगा कि So guys, I hope आप सभी को बहुत मजा आया होगा इस वीडियो में, एंड आप लोगों को भी मजा आया। सो इनको पार्टिसिपेट करने में मजा आया, आपको शायद देखने में मजा आया। सो एंड हो चुका है इस वीडियो का, एंड कमेंट्स में बताना कि कौन से टाइप के और वीडियोस आप देखना चाहते हो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।